आज हम बनाने वाले हैं गोल्डन काजू मटरी, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक मतलब स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच हम डालेंगे मिक्स किया हुआ कलौंजी, अजवाइन, इन सभी को हमें सबसे पहले ड्राई 1 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी में, इसे मिक्स कर लेंगे हम ताकि जो नमक और कलौंजी अजवाइन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसमें हम डालेंगे अब रिफाइन ऑयल, यहाँ पर मैंने लिया है और ये हल्का गुनगुना है, तो इसे हमें मिक्स करना है। और मिक्स करते करते मैं आपको यहाँ खाऊंगी, कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से मतलब मोम इसका बन चुका है। तो इस तरह से आप हाथ में लेकर इस तरह से बाइंड करेंगे, अगर ये हो जाता है इस तरह से तो आपका मोम एकदम सही हुआ है, 2 टुकड़े में ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोम है वो रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, आप चाहे तो गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इसका जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं और ज़्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सॉफ्ट जो हम रोटी के लिए जिस तरह का डो बनाते हैं वैसा ही। और एक बार में ही इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो डो है वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डो है हमने रेडी कर लिया है, तो इस डो को हम साइड कर लेते हैं सबसे पहले, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डो है वो रेस्ट में आ चुका है, उसको हम 1 से 2 बार मतलब इस तरह से मसल देंगे। अब इसका एक लोई लेंगे हम सबसे पहले, अब इस लोई को हमें जिस तरह से हम रोटी के लिए गोल करते हैं तो उसी तरह से कर लेना है, और थोड़ा सा हम चपटा कर देंगे बोर्ड पे, और इसे हमें बेल देना है रोटी के जैसा ही, लेकिन रोटी की इतना पतला इसे हम नहीं रखेंगे, उससे हल्का मोटा होगा ये, क्योंकि इससे हमें गोल्डन काजू मटरी का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी के साइज़ का बना लिया है और ये हल्का मोटा है, और मैंने यहाँ पे ढक्कन लिया है एक, आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो कैप आता है ना मतलब बॉटल में होता है, तो उससे आप इसे कट करें और काजू का शेप दे इसे, तो इस तरह से हमें कट करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, और बहुत ही ईजी है ये कट करना और बहुत ही फास्ट हो जाता है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इस तरह का काजू मटरी बनाना। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल वगैरह में बना सकते हैं या फिर नॉर्मल डे में भी इसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को पहले कट कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो सबसे पहले इन सभी को हम कट कर लेते हैं और एक थाली में ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो गैस पर हम रख देंगे कढ़ाई, और इसमें हमारा तो जो तेल है वो गर्म हो चुका है, तो एक एक करके ये काजू मटरी डालेंगे इसमें हम। और अगर आपका मटरी अगर चिपक भी गया है तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब गरम तेल में जाता है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम डाल देंगे मटरी को और फ्राई करेंगे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक, और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, और इसका जो कलर मैंने रखा है वो हल्का लाइट गोल्डन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो इसे हम निकाल देंगे प्लेट में, और इसी तरह से सभी काजू मटरी को हम इसी तरह से तल लेंगे हम तेल में, और जो गैस का फ्लेम होगा वो लो टू मीडियम फ्लेम होगा, और यहाँ पे मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।